देखिए आसिफ अली जो है वो एक अच्छा प्लेयर है और हम भी उसको बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, अभी T20 मैच में देखें उनकी बारी भी जो है वो ऐसे टाइम पे आ गई जहाँ पे उनको हिट करना पड़ता है। और आज का पिच मैं समझता हूँ किसी नए बैट्समैन के लिए भी ईजी नहीं था कि वो जाते अर्ली और रन बनाता, लेकिन देखिए वो कोशिश कर रहा है और हम भी उसको भरपूर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में वो टीम के लिए ऐसे ही नहीं खेलेगा, क्योंकि हमने उसको रखा हुआ टीम के लिए वो 6 नंबर पर बैटिंग करता था, अगर आखिरी 5-4 ओवर में वो बहुत फायदेमंद हो सकता टीम के लिए, तो इसीलिए ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं। हाँ लेकिन ये कि एक आध दिन उसकी लग जाएगी तो उसको खुद भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले मैचों में परफॉर्म जरूर करेगा। भट्टी साहब सरफराज, 2 साल में 10वीं सीरीज आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीती, ये 2 साल का सफर कैसा रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सीनियर जो थे वो अब एक एक करके बाहर जा रहे हैं, जूनियर्स का रोल बढ़ रहा है, जिसमें आज शाहीन की आफरीदी ने फाइनल ओवर करवाया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट और देखे 2 साल की जर्नी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही और बहुत टफ थी, और हमने मैं समझता हूँ कि शिवाय मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी एक ऐसी सीरीज़ हो T20 की जो कि आसान रही हो। हमने जितनी भी सीरीज़ें खेली टॉप टीमों के खिलाफ खेली और इसका हमें जो है वो क्रेडिट मिलना चाहिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट को हमारे लड़कों को सिलेक्शन कमेटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हड़ताल है, क्योंकि सबका रोल है किसी एक का रोल नहीं है। और जिस तरीके से ये टीम पिछले 2 साल से खेलती हुई आ रही है, 10 सीरीज़ जीतना T20 में बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर वही बात है कि इसका क्रेडिट जो है तो टीम मैनेजमेंट को दूंगा, लड़कों को दूंगा। और जहाँ तक आपने बात की कि सीनियर्स प्लेयर, देखे जब मैंने कप्तान बना था तो उस वक्त शुएब भाई थे और हफीज़ भाई कुछ सीरीज़ में खेले, फिर उसके बाद टीम से आउट होकर फिर दोबारा वापस है, तो बस ये 2 ही सीनियर प्लेयर हैं, बाकी जितने भी सारे प्लेयर हैं नए लड़के जितने भी खेले वो सब अच्छा परफॉर्म करें, तो आई थिंक इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत है। यही लड़के हैं आप क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और 2015 में इन्हीं लड़कों में से टीम बननी है, तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए हमारी टीम मैनेजमेंट को और हमारे लड़कों को जिनमें ज़बरदस्त एफर्ट की, जिसकी वजह से हम लोग ये 10 सीरीज़ गए, एक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि वो जीते। स्पेशली इमाद वसीम एंड फजल मसूद, ऑल द बॉलर्स बॉल रियली वेल, दैट्स व्हाई वी विन द मैच टुडे। I don't know why it's so much reaction. This is clearly out, that is not on the ground. So I don't know why it's so much. This is not my domain, it's the umpires and referee calls. I don't know what's happening. Next question. Yes. Sarfraz, you're very animated tonight, a lot of energy. Do you like beating Australia more than you like beating other countries? Whenever I remember my action like this, it's not the first time, you know. If you win the series again, top quality side, they know how to play T20 cricket. It's not an easy Australia team. Everyone knows they know how to play T20 cricket. And the way we defend 145 is the achievable score here. But the way my bowler is responding, the way my fielder and batsman, everything. So that's why we show the aggressions. देखिए बाबर को हम इसीलिए ऊपर लेके आए हैं, एक तो उसको रोल दिया है हमने कि आपने अगर आप सेट हो जाते हैं 6 ओवर के बाद तो आपने कोशिश करनी है कि आप 15 ओवर तक जो है अपनी बैटिंग को जारी रखें, और जिस तरीके से बाबर माशाल्लाह खेल रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने और बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं हमारी बैटिंग, तो कोशिश करेंगे कि इसको जारी रखेंगे। ये ओपनिंग स्लॉट है हमारे पास, तो टीम के लिए फायदा जरूरी होगा, तो बाबर अच्छा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दो बड़े कैच, एक ही बंदे के दो बड़े कैच ड्रॉप हुए, उसके बारे में आई मीन थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज़ अगर वो कैच ले लेते तो शायद। देखिए कैच होना जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन अगर कुछ टाइम पे कैच हो जाता है तो शायद मैच जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है, तो जिसकी लक होती है वो बंदा रन करता है, तो आई थिंक मैच की आज लक थी कि उसके 2 कैचेज या ऑलमोस्ट 3 कैचेज नहीं हुए, तो ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन इन दी एंड टीम ने जो है ज़बरदस्त हमारी फील्डिंग की। आपने हमने देखा कि एक आध कैच तो छूटी जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम फील्डिंग कर रही है, जिस तरीके से आज फखर रहमान ने आज रन आउट किया, शायद जोंटी कोच ने भी शायद ऐसे रन आउट नहीं किया होगा, तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत चलता रहता, लेकिन ये इसमें बेहतरी की गुंजाइश आपको पता है हर वक्त रहती, तो ऐसे कोई मतलब नहीं। इंडियन आपकी टीम मैच जीती है, सीरीज जीती है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ इसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जहाँ इतने अच्छे अच्छे फील्डर्स
खेल रहे हैं वहाँ आप फखर की फीलिंग को कहाँ रेट करते हैं? जनरली ऐसा लगता है कि बड़े थोड़ा सा एजिलिटी उनके अंदर नहीं है जितनी उन्होंने दिखाई है चेंजिंग रन आउट के, और जिस तरीके से उन्होंने रन आउट किया इजी नहीं था। आई थिंक अगर आप फखर जमान की बात करते हैं तो वो एक हमारी टीम का टॉप फील्डरों में से एक फील्डर है। अगर हमारी टीम की आप बात करते हैं तो हमारे पास शदाब मौजूद हैं, बाबर आजम मौजूद हैं, फखर जमान हैं, हसन अली हैं। जिस तरीके से ये लोग फील्डिंग इंप्रूव करते जा रहे हैं, आई थिंक जिस तरीके से हमारा कोचिंग स्टाफ उन पर काम कर रहा है, आपको पता है कि फील्डिंग एक ऐसा पॉइंट हो गया कि आप एक कैच, एक रन आउट और एक अच्छी फील्डिंग से जो है आप मैच जीत सकते हो। आई थिंक देखा फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वही जो है अहम रोल अदा करता है। आज भी देखा जिस तरीके से फखर ने वो रन आउट किया, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो रन आउट हो जाएगा, लेकिन जो उसने जो रन आउट की बहुत ही ट्रेंडिंग पॉइंट था। और अब फील्डिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है किसी भी फॉर्मेट में, अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो आप सबकी नज़रों में आ जाते हैं। तो फील्डिंग ऐसा हो गया कि आपने हर हाल में तीनों शुबों में अच्छा खेल पेश करना, और फखर जमान में समझता हूँ कि जो दुनिया के कुछ अच्छे फील्डर हैं उनमें से उनका शुमार होता है। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, Sarfraz.